हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ यह अशोक लेलैंड लिमिटेड। अशोक लेलैंड लिमिटेड एक बहुत टॉप का स्टॉक है। अगर आप बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, ट्रक्स बनाने में, बसेस बनाने में, और छोटे जो लो कमर्शियल व्हीकल्स और हाई कमर्शियल व्हीकल्स हो गया, और साथ के साथ मिलिट्री के लिए जो ऑटो मोबाइल सेगमेंट है, मिलिट्री के जो टॉप के ट्रक्स बनते हैं, अभी तो कुछ टैंक्स के भी पार्ट बनाने वाला आगे आने वाले टाइम में अशोक लेलैंड लिमिटेड। ज़बरदस्त स्टॉक, और आज का दिन बहुत खास है इस स्टॉक के लिए। इस स्टॉक में जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उस लोगों के लिए, क्योंकि आज इसका आया है क्वार्टरली रिजल्ट। तो बात करते हैं इस स्टॉक की और कैसा रहा इसका क्वार्टरली रिजल्ट, उसके बारे में बात करते हैं छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर आप इस स्टॉक का देखा जाए तो बहुत बढ़िया इसका जो है ग्राफ रहा है, पिछले 5 सालों में अच्छा खासा इसने रिटर्न दिया है। और अभी कुछ टाइम से ये, मतलब कि ये मान के चलिए 160 के प्राइस से गिर के धीरे धीरे नीचे आया, और आपको ऑलमोस्ट 108-109 यानी कि 102-103 इस रेंज तक भी चला गया था। अभी अब धीरे धीरे ये रिकवर कर रहा है, और आज का रिजल्ट तो आप देखिए था बढ़िया रिजल्ट मैं कहूँगा इसके। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, देखते हैं आगे। अशोक लेलैंड लिमिटेड अगर आप देखें इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो 35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बढ़िया। पी रेशियो 19 के अराउंड का है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो अगर देखा जाए तो 4.22 का है, क्योंकि बुक वैल्यू इसकी 28 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की। अर्निंग पर शेयर देखिए 6 रुपये का है। तो स्टॉक में सब कुछ बेहतरीन है अगर आप देखें, और आज की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, और बहुत लोगों ने, मतलब कि आज इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। कल की डेट में आप इसमें देखना, आज रिजल्ट का वेट कर रहे थे लोग, और कल जो रिजल्ट आया उसके बाद इसमें इतनी अच्छी उड़ान जाने वाली है ना, आप ये देखिए। और वॉल्यूम अगर आप देखें तो खुद देखिए, ये देखिए 4,01,54,00,000 इतना वॉल्यूम ट्रेड हुआ आज की डेट में, इसका ज़बरदस्त वॉल्यूम। अब कल की डेट में ऐसी उड़ान भरने वाला है कि आप रोक नहीं पाओगे। आप देखिए इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है। और चलिए बात करते हैं, सबसे पहले रिजल्ट की बात करते हैं। उससे पहले मैं दिखा दूँ अशोक लेलैंड, अगर देखिए किस तरीके सनशाइन, दोस्त प्लस, तो इस तरीके से बहुत सारे इसके जो है टॉप के जो सेगमेंट ऑटोमोबाइल सेगमेंट में टॉप के ट्रक्स बनाता है, बसेस बनाता है अशोक लेलैंड। आपने देखा होगा जो बसेस चलती हैं आपकी पब्लिक सेक्टर में, जितनी भी बसेस चलती है, बहुत सारी बसेस में जो गवर्नमेंट्स है वो अशोक लेलैंड से ऑर्डर लेती हैं बसेस का। और आगे हम चाहिए रिजल्ट जो आया है, सबसे मेन बात नज़र रखिए, रिजल्ट जो है मार्केट क्लोज होने के बाद आया, इसलिए इस रिजल्ट का आज की जो प्राइसिंग है उस पर कोई असर नहीं देखने को मिला, और लेकिन कल की प्राइसिंग में अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। अब मैं एक नज़र आपको सबसे पहले रिजल्ट पर लेके जाता हूँ। टोटल इनकम से बात करते हैं, टोटल इनकम कैसी रही इस क्वार्टर में, तो ये सारी फिगर्स जो हैं ये लैक्स में है। अगर मैं इनको करोड़ में कन्वर्ट करूँ तो देख, टोटल इनकम रही 7,636 करोड़, मतलब 7,636 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर यानी कि सितंबर क्वार्टर, जो कि क्वार्टर टू फाइनेंशियल ईयर 19 का है, उसमें रही है। और आगे देखिए, पिछले क्वार्टर में ये टोटल इनकम जो जून क्वार्टर में थी, यही इनकम 6,300 करोड़ की थी। तो आप ये देखिए कितना बढ़िया जंप, ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ का टोटल इनकम में जंप देखने को मिल रहा है। और लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर की बात करें तो ये थी 6,132 करोड़, तो उसके कंपैरिजन में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ईयरली वाइज तो है ही है, क्वार्टरली वाइज भी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है टोटल इनकम में। बात करते हैं प्रॉफिट की, टोटल इनकम तो बढ़ी है, क्या प्रॉफिट भी बढ़ा है? जी हाँ जरूर, प्रॉफिट तो बढ़ा ही है। आप देखिए, देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड 460 ऑलमोस्ट, अगर राउंड ऑफ किया जाए तो 460 करोड़ का जो है प्रॉफिट शो किया इसने इस क्वार्टर में। तो मैं तो इस प्रॉफिट को बेहतरीन कहूँगा। अगर पिछले क्वार्टर की बात करें तो 370 करोड़ का प्रॉफिट था, तो यहाँ आप देखिए 60 और 30, 90 करोड़ का प्रॉफिट में जंप है इस क्वार्टर और पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन अगर किया जाए तो 90 करोड़ का, 60 और 30, 90 करोड़, बढ़िया है, अच्छा जंप है प्रॉफिट में। और अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं, मतलब लास्ट ईयर सेप्टेम्बर की बात करते हैं, तो ये प्रॉफिट 334 करोड़ का था, 334 करोड़, तो उसके कंपेरिजन किया जाए तो ऑलमोस्ट 130 करोड़ के अराउंड का जंप यहाँ पे देखा गया, 130 करोड़ के अराउंड का जंप देखा गया। तो ईयरली वाइज तो बहुत बढ़िया रहा ही रहा, क्वार्टरली वाइज भी बहुत बढ़िया जो है प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है अशोक लेलैंड का रिजल्ट। अशोक लेलैंड बहुत बढ़िया बेहतरीन स्टॉक जरूर है ये। और अब ये देखिए, चलिए बात करते हैं कितना उधार इस कंपनी में, अगर टोटल डेट की बात करते हैं तो 515 करोड़ का टोटल डेट है इस कंपनी पे। इतना खास नहीं है, छोटा कहूँगा मैं इस डेट को भी, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन और इसके जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रखा है, इंडियन आर्मी के लिए टॉप का ट्रक सप्लायर है अशोक लेलैंड। और अगर टोटल एसेट्स इसके देखा जाए तो 7,680 करोड़ के टोटल एसेट्स है, तो एसेट भी बहुत बढ़िया है। प्रॉफिट देखिए किस तरीके से इसने प्रॉफिट शो किया है पिछले कुछ टाइम में, 334 करोड़
450 करोड़, ये देखिए 667 करोड़, और इस क्वार्टर में देखिए जून क्वार्टर में 370 करोड़ था, और अब इस क्वार्टर में थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, लेकिन ये मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जरूर थोड़ा कमी देखने को मिली है, बट ओवरऑल बढ़िया प्रॉफिट। जून में जो ये गिरा था तो स्टॉक का मेन रीजन ये था कि प्रॉफिट ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली थी। चलिए अब ये देखिए न्यू अशोक लेलैंड Q2 नेट जंप्स 37% टू 460 करोड़, बहुत बढ़िया जी। और आगे देखिए अशोक लेलैंड प्रॉफिट एट 460 करोड़ रुपी इन Q2 मिसेज स्ट्रीट एस्टिमेट, मतलब कि जो स्ट्रीट में जो एस्टिमेट लगा रखी थी लोगों ने वो इससे भी ज़्यादा लगा रखी थी भैया, और क्या एक्सपेक्ट करोगे। चलिए अच्छी बात है, अब एस्टिमेट तो अलग अलग एनालिस्ट है अपने अकॉर्डिंग एस्टिमेट लगाते हैं कि इस बार और ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट मैं तो कहूँगा ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट है क्वार्टरली कंपेरिजन किया जाए तो। लेकिन अगर इसकी जैसे मैंने आपको दिखाया था मार्च क्वार्टर में अच्छा खासा यहाँ पे 660 करोड़ का इसने प्रॉफिट शो किया था, उसके कंपेरिजन में थोड़ा कमी जरूर है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतरीन है। मतलब ये मान के चलिए पिछले सितंबर फिर दिसंबर ये मार्च क्वार्टर में ही थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट था, थोड़ा क्या बहुत अच्छा ज़्यादा, यहाँ पे 200 करोड़ ज़्यादा है आज के प्रॉफिट से भी। चलिए और अब बिजनेस लाइन की जैसे मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा था, अब बात करते हैं अशोक लेलैंड के डिविडेंड की। तो क्या ये स्टॉक डिविडेंड देता है? जी हाँ बिल्कुल डिविडेंड देता है। 2018 में इसने अभी जो सितंबर में जुलाई में डिविडेंड दिया था ₹2.43 का डिविडेंड दिया था, बहुत बढ़िया, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा डिविडेंड था। तो अशोक लेलैंड हमेशा अप्रैल और मई में जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है मार्च क्वार्टर का, उस टाइम पे अनाउंस करता है डिविडेंड को और डिविडेंड देता है जून और जुलाई के महीने में इसका डिविडेंड आ जाता है। आप देख लीजिए पिछले 8-10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, बढ़िया बात है। अब अशोक लेलैंड की बोनस की बात करते हैं, क्या अशोक लेलैंड ने कभी बोनस भी दिया है? जी हाँ जरूर दिया है, 1978 में बोनस दिया था, आज का स्टॉक नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, 2011 में बोनस दिया था 1:1 का। अभी देखिए अगर हम देखें क्या ये स्टॉक स्प्लिट कब हुआ था, अगर आप देखोगे इसकी फेस वैल्यू 1 दिख रही है, जी हाँ 2004 में ये 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे स्प्लिट हो गया था। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया बेहतरीन ग्रोथ दी है पिछले 5 सालों में, आप देखिए ₹15 का हुआ करता था और आज की डेट में देखिए 160 तक गया था, मतलब पिछले 5 सालों में धीरे धीरे करके इसने 10 गुना तो रिटर्न दिया ही है, ये मान के चलिए अब 10 गुना पिछले 5 सालों में। और इस स्टॉक को, ऐसे स्टॉक्स को आप लो लेवल पे बाई कर सकते हो, बहुत बेहतरीन स्टॉक है लो लेवल पे बाई करने के लिए, और अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंटर करने की ऐसी कंपनी में। देखिए ये स्टॉक अगर आप देखा जाए तो एक टाइम पे 109 का हाई बना के यहाँ गिरा, गिरते गिरते 75 तक आया था, उससे ज़्यादा नीचे नहीं आया था। और अभी अगर आप ओवरऑल ट्रेंड लाइन देखें इसकी, देखिए अभी भी ये इस हाई का इसको एक ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट जोन मिला है और यहाँ से ये बाउंस बैक थोड़ा सा नीचे ज़रूर आया है, हल्की सी रिट्रेसमेंट टाइप की है और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। और ये जो लाइन है ये है 50 डे की EMA लाइन है, तो इसको इसने यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि ये इसको क्रॉस करेगा, तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि अगर आपको 124-125 इसने क्रॉस कर लिया तो उम्मीद है कि यहाँ से इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा और लंबे यहाँ से ये अच्छा खासा यहाँ से जंप लेके अपने ये पुराना जो हाई है 160 के अराउंड जाएगा, ज़रूर जाएगा जी, बहुत बेहतरीन स्टॉक है ज़रूर जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, अच्छा खासा इसका जो रिजल्ट आया है उम्मीद है कि यहाँ से बहुत बेहतरीन जाएगा। लेकिन जो इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस मिलेगा वही 150 के रेंज में मिलेगा, फिर थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। और आने वाले टाइम पर जिस तरीके से इलेक्शन सर पे हैं तो गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, तो उस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहिए, हल्के छोटा बहुत जो झटके आते हैं उनके लिए तैयार रहिए। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप ये मान के चलिए जब रिजल्ट आता है किसी चीज़ का तो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं उनको पहले से पता होता है कि क्या किस तरीके का रिजल्ट आने वाला है। अगर आप देखें अशोक लेलैंड का जब मई में रिजल्ट अनाउंस हुआ था, मई में आप देखिए रिजल्ट अनाउंस हुआ था यानी कि मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था, तो उस डेट में सबको पता था अच्छा रिजल्ट आने वाला है। तो आप ये देखिए उस टाइम पे अगर आप देखोगे कि 2018 के स्टार्टिंग में जो है मार्केट में गिरावट चल रही थी, लेकिन अशोक लेलैंड यहाँ से 112-113 से उड़ रहा था। क्यों? ये दिसंबर के बाद जैसे इनको पता था कि भाई रिजल्ट आने वाला है तो उड़ते उड़ते देखिए आप मई तक जो रिजल्ट आया था टॉप पे पहुंच गया था, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद फिर धीरे धीरे इसमें गिरावट स्टार्ट हुई। तब यहाँ पे बड़े लोग क्या करते हैं, पहले ही उनके तो बहुत ज़्यादा लोग बैठे होते हैं जो एनालाइज करते रहते हैं चीज़ों को, एक एक छोटी छोटी चीज़ उठा के एनालाइज करते हैं, और जब इस तरीके से अच्छा रिजल्ट आता है तो वहाँ पे फिर वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं टाइम टू टाइम, फिर नीचे गिरता है फिर छोटे नीचे लेवल पे बाइंग लेते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे वो बाइंग लेते हैं, धीरे धीरे लेते बाइंग लेते रहते हैं। अभी देखिए स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी इन लेवल्स पे, 107 के लेवल पे आ गया था और ये जो लो बनाया था इसने 102 का बनाया था। अब उम्मीद करते हैं कि अब ये जब अपने ये पुराना 133 के हाई को भी पार कर देगा तो ये अच्छी खासी यहाँ पे एक रैली देखने को मिल सकती है, धीरे धीरे रैली का साइन तो दिख रहे हैं,
रिजल्ट भी अच्छा है। अब उम्मीद करते हैं स्टॉक में सब कुछ अच्छा होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं मार्केट मोजो के क्वालिटी के ऊपर। तो ये गुड क्वालिटी का स्टॉक है मार्केट मोजो का, और एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे बहुत बेहतरीन स्टॉक है अशोक लेलैंड। यकीन नहीं आ रहा तो देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 60% की, रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 26% की है। तो बहुत बेहतरीन स्टॉक मैं इसको कहूँगा, बहुत सस्ते में मिल रहा है ये स्टॉक। झपट सकते हो आप 100 से 110 120 की रेंज में अगर ये स्टॉक आता है तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अशोक लेलैंड का बहुत बेहतरीन रिजल्ट मैं कहूँगा इसको, चाहे एनालिस्ट कहें कि मीट नहीं किया एस्टीमेट को, पर फिर भी बहुत बेहतरीन है क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे रिजल्ट। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।